जी दोस्तों, सत श्री अकाल। पंजाबी इंडस्ट्री ते पंजाब नाल जुड़ियां कुछ खास अपडेट्स लैके तुहाडे सामने हाजिर हुई हाँ। सब तो पहला असीं सिद्धू मूसेवाले का ही जिक्र करना चाहते हाँ, जिस दी कि नो नेम ईपी ने स्पॉटीफाई ते काफ़ी ज़्यादा तक पा रखी है। पर दोस्तों विवाद क्रिएट हो गया है कल रात जो बब्बू मान जी ने एक स्टोरी शेयर की। वैसे दोस्तों असीं इत्थे विवाद क्रिएट नहीं करा रहे, सोशल मीडिया से यह मुद्दा भग गया है। पहला असीं जिक्र करते हाँ बब्बू मान जी ने की स्टोरी शेयर की, तुसीं देख ही सकते हो। इंडिया आईट्यून्स टॉप एल्बम च बब्बू मान जी की अड़प पंजाबी एल्बम हाले तक ट्रेंड कर रही है। दस दिन दोस्तों हो चुके हैं इस एल्बम नू रिलीज होया। ते खास गल दोस्तों ये भी है ट्रिपल आर फिल्म, जैसे कि दोस्तों 1000 करोड़ की कलेक्शन भी की थी KGF चैप्टर 2। उस बारे तो दोस्तों कुछ कहने की लोड़ ही नहीं, उन्होंने सोंग भी बब्बू मान जी की एल्बम तो हेठा दिखाई दे रहे हैं। जेकर आप जिक्र करिए आईट्यून्स का, अपने आप एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कंपेरिजन तो वैसे दोस्तों पहला तो ही सिद्धू ते बब्बू मान की एल्बम का चलता आ ही रहा है। स्पॉटीफाई ते सिद्धू की एल्बम ने काफी ज्यादा तक पा रखी है, बब्बू मान जी की एल्बम नू ज्यादा पसंद किया गया है दोस्तों आईट्यून्स से। दोस्तों इस करके क्रिएट हो रहा है क्योंकि बब्बू मान जी ने पहला कदे भी अपने गाने के किन्ने व्यूज आ गए, केड़े उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि दोस्तों बहुत वड्डे वड्डे रिकॉर्ड ऑलरेडी बब्बू मान जी के नाम बोलते हैं। विवाद दोस्तों इन्हों का जो पिछले समय तो आ रहा है, उस करके इन्होंने गलों को हम सोशल मीडिया से ज्यादा जोड़िया जा रहा है। यह भी दोस्तों तुम्हें असं दसना चाहते हाँ बब्बू मान जी तो वैसे अपने टूर में काफी ज्यादा बिजी ने, कोई होर शख्स उन्होंने अकाउंट को हैंडल कर रहा है, जिस करके ही ये दोस्तों पोस्टा से स्टोरियां पै रही ने। विवाद सानू भी लगता नहीं क्रिएट करना चाहिए। तुम ये देखो ना दोनों ही आर्टिस्ट पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को किस लैवल से लेके जा रहे हैं। स्पॉटीफाई से सिद्धू मूसेवाले की एल्बम ने तक पार की है 7-8 मिलियन स्ट्रीम्स पार हो चुकी ने। आईट्यून्स से 10 दिन बाद भी बब्बू मान जी की अड़ पंजाबी एल्बम ट्रेंड कर रही है। तुम दोस्तों इस विवाद बारे जो कि थोड़ा जहा वर्चुअल ही लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपने अहम विचार जरूर दियो। दूसरी गल दोस्तों भरा का अगले महीने 4 तरीक न लाइव शो हो जा रहा है। दोस्तों एक कुछ खास दसिया जा रहा है क्योंकि भरा ने पोस्ट शेयर की है, नहीं तो अपने लाइव शोज की अक्सर यह स्टोरी ही शेयर करता है। स्टेज का कंसैप्ट कहा जा रहा है कुछ डिफरेंट करने वाला है। बाकी देखते हैं फिर भरा दोस्तों लाइव शो भी की करता, वर्ल्ड टूर में पाकिस्तान कैनेडा USA से होर भी कई जगह भरा जाने वाला है। तो दोस्तों इतने हम असं करण औजले का जिक्र करना चाहते हाँ, जिसकी कि वे अहैड EP 2-3 दिन तक दोस्तों रिलीज हो ही जाएगी। सारे गाने दोस्तों तैयार हैं, कुछ गाने दोस्तों करण औजला के नवे लीक भी हुए हैं सोशल मीडिया से, जिसन की दोस्तों उसकी ऑफिशियल टीम ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया कि यह EP के गाने है ही नहीं हैं। ये तो अलग कंसैप्ट ने, या कह लो नवे गाने ने पर EP के गाने नहीं हैं। तो दोस्तों एक खास गल यह भी है, करण औजला ने अपनी सैकंड EP का भी ऐलान कर दिया है एक तरह नाल। वे एडम दोस्तों 4-5 महीनों बाद भरा ने रिलीज किया, हाइप काफी ज्यादा क्रिएट हो चुकी है। कहा जा रहा है कि सुपर डुपर हिट रहेगी। तो कल वाली स्टोरी दोस्तों कुछ इदा सी कि ये वाली EP ते हुण मेरा काम समाप्त हो गया, 10 तरीक नूं रिलीज हो जाएगी। पसंद दोस्तों तुसीं कर ही लेना है, पर मैं अगली EP ते भी नाल दी नाल काम कर रहा हाँ। हार्ड वर्क दोस्तों भरा बहुत ही ज्यादा कर रहा है अपने फैनां लई, अपने खुद लई। अनाउंसमेंट तो दोस्तों फिर सैकंड EP दी भी हो चुकी है, पहली EP 10 तरीक नूं आ रही है, फिर दूसरी कदों आएगी। करण औजला दे फैन दोस्तों इन्हां सारियां गल्लां नूं हुण ही पुछना स्टार्ट कर चुके ने उसकी ऑफिशियल टीम ने हान रैकड तो। खास गल दोस्तों यह भी होगी क्योंकि करण औजले का विवाद भी सिद्धू मूसेवाले नाल एक लंबे समय तो चलता आ रहा है, कि इन्हों की EP का कंपेरिजन हो। चलो बाकी देखते हैं फिर दोस्तों आने वाला टाइम ही दसेगा 10 तरीक न की बनता जुड़ता। तो दोस्तों इतने हम असी अर्जेंट लू की एक इमोशनल पोस्ट जरूर दिखाना चाहते हाँ। तुम दोस्तों एक न्यूज जरूर देख ही ली होगी जो पराली साड़ते हैं, उसके धुएं कारण जो सड़क से अग आ चुकी थी, एक बच्चों की दोस्तों बैन लंघ रही थी उसनों भी अग लग गई, बच्चे रोंद कलपते हुए दिखाई देते। हेठां दोस्तों कमेंट आ रहा है अर्जेंट ने इस स्टोरी को शेयर किया है, हाँ जो बच्चे रोंद वेखे तो लखा हजारा घुगियां डटीरिया कबूतर से बुलबुल अखों सामने लंघ गए, जिन्हें निके निके बूट इन्ह अगर सड़ के मर गए हो। शायद उन्होंने बूटा ने भी इंज ही रौला पाया होगा, तो मावा भी इंज ही कलपिया हो। अर्जेंट लू ने यह दोस्तों यह कहा, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, असी गुरु नानक साहब जी तो मानते हाँ पर उन्होंने नहीं मानते। बाकी ही दोस्तों इस गंभीर होंगे मसले वाल सा भी ध्यान जरूर जाना चाहिए है। बाकी सारे ही साढ़े तो ज्यादा समझदार हो अर्जेंट लू की इस स्टोरी बारे, जो भी यह सब कर
कारगुजारियां हो रही ने अपने अहम विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। तो दोस्तों इतने हम असं हनी सिंह का जिक्र करना चाहते हाँ, उसका भी सोशल मीडिया से कुछ विवाद पख्या है कुछ शख्सों, क्योंकि दोस्तों उसका गाना रिलीज होने वाला है 19 तरीक न गुरु रंधावा, जिसकी एक झलक उसने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से दिखा दी है, पर इस ही उसने स्टोरी भी शेयर की है जिस कि शायद वो टारगेट कर रहा है अपने हेटरों को विरोधियों। उसने यह कहा, ए क्वाइट टाइगर इज मोर डेंजरस दैन ए वॉकिंग डॉग। हम दोस्तों डॉग कौन ने, टाइगर कौन ने, इन गल करके विवाद भी भख रहा है, पता नहीं किसान टारगेट कर रहा है। विवाद तो इसके भी काफी आर्टिस्टों सन, खासकर दोस्तों बॉलीवुड वाले कई दोस्तों सुलझ भी चुके हैं, जिमें कि बोहमिया बादशाह। पर फिलहाल दोस्तों इसका गाना आ रहा है गुरु रंधावा, कहा जा रहा है कि गेम चेंजर होगा, हनी सिंह वापस उस मुकाम से ले आएगा यह गाना। इदा दोस्तों कुछ शख्सों ने बयान दिए हैं, बाकी देखते हैं फिर 19 तरीक न की बनता। दोस्तों इतने हम असं एपी ढिल्लों का जिक्र करना चाहते हैं, जिस बाबत एक आर्टिकल काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, कुछ के इंस्टाग्राम पेज वाले ने दोस्तों इसकी चर्चा भी की है। एक लिस्ट बनाई गई है कि पंजाबी गाने जिन्होंने कि वैसटर्न इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस से भी काफी ज्यादा प्रभाव पाया है। सिद्धू मूसेवाले के AK-47 का दोस्तों इतने खास तौर पर जिक्र होगा ही होगा, स्टेफ लंडन जिस कलैबोरेशन से उस गाने का दोस्तों इस लिस्ट में जिक्र होया। इस तो अलावा ब्राउन मुंडे गाना वो तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड ही हिट दसया जा रहा है। एपी ढिल्लों से सिद्धू मूसेवाले की कलैबोरेशन कुछ एक शख्स दोस्तों एक्सपैक्ट कर रहे सन, पर मामला दोस्तों इन्हों का भी संगीन जहा ही हो गया जो एपी ढिल्लों पहला सिद्धू मूसेवाले को फॉलो करता है, उस तो बाद उसने अनफॉलो कर दिया। हालांकि ब्राउन मुंडे गाने में सिद्धू मूसेवाले का भी कैमियो रोल थी। बाकी दोस्तों तुम ही एपी ढिल्लों से सिद्धू मूसेवाले बारे अहम विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। तो दोस्तों दलजीत दोसांझ फिलहाल के टाइम तो छुट्टियां ही मना रहा है, कुछ क्लिप्स भी शेयर करता नजर आ रहा है फनी ही। तो इस दौरान भी दोस्तों उसमें वार बार यही मैसेज आ रहे हैं कि तुम अपनी ईपी रिलीज़ कर दो। भरा कहता कि मेरे मूड से डिपेंड है, जो मेरा जी किया मैं उदो करा, यार मैं ईपी बेशक कर ली है पर जो माहौल जहाँ सही होगा मैं उदो ही रिलीज़ करा। फिल्मों दिन दोस्तों शूटिंगा भी इसने कंप्लीट कर लिया ने, जिमें कि दोस्तों निमृत खरा की फिल्म जोड़ी की अक्सर चर्चा होंगी ही रही है, जो कि पिछले साल रिलीज़ होनी सी, हाले तक दोस्तों उसकी अपडेट ही नहीं दी गई। फैन उस बारे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, खासकर दलजीत दोसांझ के ही फैन पेज। निमृत खरा से दलजीत दोसांझ की दोस्तों जोड़ी वाकई ही ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करेगी। निमृत खरा की दोस्तों तुम हाल ही फिल्म जो सौंकण सौंकण आनी है उसका टीजर ट्रेलर देख लो, एक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा सुधार होया है। दलजीत दोसांझ के काम से तो आप छा के कर ही नहीं सकते, ऑडियंस दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार देने वाली है इस फिल्म में, सानू वाकई ही इदा लगता है। तो दोस्तों खीर से असं हम गैरी संधु के अफसाना खान का जिक्र करना चाहते हैं, पिछली वीडियो में असं डिटेल में दस चुके हैं कि किमें गैरी संधु ने टारगेट किया अफसाना खान। बहुत सारे लोग दोस्तों इस गल सिद्धू मूसेवाले नाल भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले से अफसाना खान की काफ़ी वधिया बनती है, शायद गैरी संधु ने इसे करके ही उसनों टारगेट किया है। हम पता नहीं दोस्तों की मामला है, गैरी संधु भी किसी न किसी सैक्शन में टारगेट करता ही रहता है। अफसाना खान की दोस्तों वो क्लिप काफ़ी ज़्यादा पुरानी सी, फिर उसको लभना उसको दिखाना एक गल्लां दोस्तों काफ़ी विवाद भी क्रिएट कर रही ने। हालांकि दोस्तों अफसाना खान इस मामले से चुप ही रही, वधिया भी गल है, नहीं तो दोस्तों ये विवाद अगे होर वादा जाना सी। गैरी संधु दोस्तों रिप्लाई वाले मामले से थोड़ा जहा तेज ही चलता है, जिसने भी गैरी संधु को टारगेट कर दिता, गैरी संधु दोस्तों उसको टारगेट जरूर करेगा। हालांकि दोस्तों इतने तो गैरी संधु ने खुद ही विवाद क्रिएट किया है, तुम कैसे सही मानते हो अपने अहम विचार जरूर दियो। तो दोस्तों एक निकी जी रिक्वेस्ट ये भी पंजाबी पॉइंटर लाइव भी दसता कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे अभी गेमिंग करेक्शन के ब्लॉग वाली वीडियो लैके आ रहे हैं, जो हो सके तो उस चैनल में इस चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो। धन्यवाद।